ध्यान दीजिए, अपवर्तन चल रहा है। क्या चल रहा है? अपवर्तन। सुनो, है किरणी ही हो, कौन ही हो? किरणी। तो किरण चली एक माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश जो चलता है और एक माध्यम, माध्यम बदले। माध्यम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे अणु परमाणु ज़्यादा नज़दीक हैं तो कहेंगे कि माध्यम अलग है, सघन है। तनिसा और ही अणु परमाणु दूर चले गए तो कहेंगे तनि कम सघन है। सघन माने घाना, और बिरल का मतलब होता है जो कम घाना हो। समझ रहे? गाँव देहात में कहता है का कैसन तो फसल जमल बात, कहना सा फाफर जम गई बा, मैंने बिरल जमा है। समझ रहे ना? और ज़्यादा घन होते, घन का मतलब सघन, घन का मतलब सघन। यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो किरण जो है, सुनो तो अब दिमाग में क्या आता है, हम लोग जनरली एग्जाम्पल क्या दे देते हैं, हम लोग उदाहरण क्या देते हैं कि हवा है, जल है, पानी है, कि माध्यम अलग अलग है, बता दिया गया आपको। समझ रहे ना? जल और पानी तो एक ही होता है, आप चुपचाप ताकत कांच है, ठीक है, ये जो है अलग अलग माध्यम है। लेकिन दिमाग में रखिएगा, हवा में भी अलग अलग माध्यम हो जाता है। तारे टिमटिमाते क्यों है, कोई क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कहे तारा के मन टिमटिमाओ चाहे ना, पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते क्यों है, कहे तारा के मन वो टिमटिमाओ चाहे ना, तारा दिक्कत ना, तारे टिमटिमाने का कारण है कि अपवर्तन। तो उसमें ऐसा नहीं ना कि माध्यम बहुत सारे हैं, माध्यम हवा है चाहे निर्वात है, फिर भी उसमें अलग अलग लेयर बन जाते हैं। जहाँ ज़्यादा हवा होगा उसको कहेंगे सघन है, तनि कम हवा होगा उससे विरल है, कम हवा होगा उससे विरल है, तो उसमें भी अपवर्तन संभव है, अपवर्तन होता है। लेकिन जनरली शुरू में क्या बताया जाता है, कह दिया जाता है कि माध्यम बदलने पर, ठीक है, किरणों में मुड़ाव होता है। जैसे कोई किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो मुड़बे करेगी, उसमें मुड़ाव होगा, तो मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अगर यहाँ शीशा है, सुनो, कांच है, आ कांच के नीचे पोत दिलो कलई, ठीक है, पारा पोत दिया, तो पारा पोतने के बाद कलई कर दिया, किरणी चलल यहाँ पे, ये पार करेगा? पोताइल बता, कहाँ से पार करेगा? टकरा के भेज देगा, तो कहेंगे परावर्तन। क्या हुआ? और जब यही पर नीचे कुछ कलई नहीं रहता, सिर्फ जनरल शीशा रहेगा, तो जाएगा और जाकर टकरा के मुड़ेगा जरूर, तो जब हेल गया तो अपवर्तन। ध्यान दीजिए, है आपतित किरण, है परावर्तित किरण, है आपतित किरण, है अपवर्तित, उसको परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित कहेंगे। समझ रहे ना? है अभिलंब है, क्या है? है भी अभिलंब है, है आपतित किरण, है क्या है? है अपवर्तित, है आपतित, है परावर्तित। अब इसमें सारा का सारा पहले नियम हम आपको बता दें, समझा दें। आ रही है तो आपतित टकरा के चली गई, आ रही है तो आपतित टकरा के चल नहीं गई, उस पार हेल गई, तो जब हेल गई तो अपवर्तित। कची यहाँ देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित किया जाता है आई से, यहाँ भी आई होगा, है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को अपवर्तन कोण, इसको भी आर से सूचित किया जाता है। तो परावर्तन का नियम क्या था, सुनो इधर, परावर्तन का नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जहाँ पे तीनों है एक ही जगह पे होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में है, पहला नियम। दूसरा था कि आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, ये पहला नियम तुम लोग जानता था। इसमें तनकी सा चेंजिंग होगा, यहाँ पर भी देखो, है कौन किरण है, बोलेगा सब जौन जौन मुँह कहले बनू तथा तू वहीं मुँह रह जाइ बुढ़ारी में, हमारे सरापो लगे कहतनी बगा गई कहा तो कह मुँह से बोलिए नहीं निकला, वह गोरियावे कही रोड पर दंदना गोरिए हैं सब, है कौन किरण, है परावर्तित किरण नहीं बोल रहा सब, अपवर्तित है, क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, ओकरे जी सन। और दूसरा है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, जिसको म्यू कहा जाता है, बताएंगे कैसे आ गया नियतांक। तो छोटा क्लास में रट के पास कर गया है, अभी समझ के पास करेंगे। साइन की हिंदी होती है ज्या, जाया फिर जाया, अब बच्चन अमिताभ बच्चन ज्या, आधा जना है ज्या। तो देखिए ये हो गया कोण आपतन कोण, हो गया अपवर्तन कोण,
आपतन कोण है, कौन कोण है? आपतन कोण का साइन ज्या कहेंगे, ज्या माने साइन। आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का बट्टा, बट्टा माने अनुपात। जेड बराबर एक्स बटा वाई, एक्स और वाई के अनुपात को जेड कहते हैं, फलानवा और ठेकानवा के अनुपात को चिलानवा कहते हैं। उसी तरह से आपतन कोण का साइन माने आपतन कोण की ज्या कौन कोण हो, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का बट्टा माने अनुपात एक नियतांक होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये तो पूरा अपवर्तन का नियम समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम ये लिखवा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। समय है 5 मिनट में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ऐसे छोटे क्लास में था कि नहीं, कमरा क्लास में बताइए। तो ये तो हमको छोड़ ही देना चाहिए था, लेकिन हम लिखवा रहे हैं इसलिए कि इसका प्रयोग है। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लिखिए।